हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज आशीष गुप्ता, आप देख रहे हैं इजीटेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज 42वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, जीएसटी रिटर्न्स को लेके कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, उसी चीज को देखेंगे फ्रेंड्स, क्या क्या डिसीजन लिए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमें तो अपनी जीएसटी रिटर्न से लेना देना है, तो यही देख लेते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने जीएसटी रिटर्न के लिए क्या कुछ किया। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया कि जो जीएसटी वन क्वार्टरली जीएसटी वन की ड्यू डेट होई करेगी, वो जैसे ही क्वार्टर खत्म हो जाएगा उसके अगले महीने की 13 तारीख तक, मान लीजिए 31/3/2021 वाले क्वार्टर की आपको अपनी जीएसटी वन कब तक फाइल करनी होगी? 13 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, उस किस वजह से किया फ्रेंड्स ये? ताकि जैसे ही आप जीएसटी वन फाइल कर दो, सामने वाले की जीएसटी थ्री बी में वो चीज शो होने लग जाए। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या कहा फ्रेंड्स? इसी तरह ये देखिए, वही चीज मैं जो कह रहा हूँ, रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ जीएसटी थ्री बी फ्रॉम जीएसटी वन, ताकि जीएसटी थ्री बी में ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाए जीएसटी वन से। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम सो ऑन जीएसटी वन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021, मतलब जीएसटी वन में जो आपके आउटपुट लाइबिलिटी होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटी थ्री बी में आने लग जाएगी, लेकिन कब से फ्रेंड्स? वो 1 जनवरी 2021 से आने लगेगी। इसी तरह जो आपके जीएसटी टू बी में आईटीसी होगा, जीएसटी टू बी में आईटीसी होगा, वो भी आपके ऑटो पॉपुलेट होने लग जाएगा। मंथली जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए तो 1 जनवरी 2021 से ही, और लेकिन जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2021 से। समझ आ गए फ्रेंड्स? जीएसटी टू भी सब जानते होंगे कि ऑटोमेटिकली अब वो उसमें आईटीसी दिखाने लग गया है, वो भी 10 या 11 तारीख को ब्लॉक कर देता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो वाला आईटीसी ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटी थ्री बी में आने लग जाएगा। मंथली फाइलर्स के लिए तो ये इफेक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स 1 जनवरी 2021 से, और क्वार्टरली फाइलर के लिए 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, चल इसी तरह फ्रेंड्स ये देखिए, इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी एंड लाइबिलिटी इन जीएसटी थ्री बी एट डिटेल्ड अबव फ्रॉम जीएसटी वन वुड बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड, जीएसटी वन बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बिफोर फॉर्म जीएसटी थ्री बी विद इफेक्ट फॉर्म 1 अप्रैल 2021। मतलब फ्रेंड्स, आपको 1 अप्रैल 2021 के बाद पहले जीएसटी वन फाइल करनी होगी, उसी के बाद आप अपनी जीएसटी थ्री बी फाइल कर सकोगे। ताकि फ्रेंड्स, इनका मेन पर्पज ये है कि जीएसटी वन से और जीएसटी टू बी से, इन दोनों से ऑटोमेटिकली सारी डिटेल जीएसटी थ्री बी में चली जाए। वो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा कि जीएसटी वन और थ्री बी जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है वो हमने एक्सटेंड कर दिए 31/3/2021 तक। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि इन्होंने कहा था हम अक्टूबर से नई जीएसटी की रिटर्न लेके आएंगे, लेकिन अभी इन्होंने कहा है जीएसटी थ्री बी और जीएसटी वन हमने एक्सटेंड कर दिए 31/3/2021 तक। चलो और देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, देखिए क्या कहा गया। इन्होंने कहा कि हम स्मॉल टैक्स पेयर्स पे ना बर्डन कम करना चाहते हैं, इस वजह से जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उनको हम रिटर्न फाइल करने के लिए क्वार्टरली बेसिस पे अलाउड कर देंगे, लेकिन मंथली पेमेंट के साथ। मतलब कि आपको मंथली पेमेंट करनी होगी और रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर सकोगे। ये चीज कब से इंप्लीमेंट होगी? 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी। और इसके अंदर इन्होंने क्या करना होगा कि जो क्वार्टर के पहले 2 महीने होंगे उसके अंदर एटलीस्ट वो अपनी 35% टैक्स लाइबिलिटी पे कर दे, जो 35% है उनकी लाइबिलिटी
कैश लाइबिलिटी, मतलब जो उन्हें अपने कैश लेजर के थ्रू पे करना होता है वो एटलीस्ट पहले 2 महीनों में पे कर दे। ये देखिए फ्रेंड्स, रीड कर लेते हैं इसे। सच क्वार्टरली टैक्स पेयर वुड फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर हैव एन ऑप्शन टू पे 35% ऑफ द नेट कैश टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द लास्ट क्वार्टर यूजिंग एन ऑटो जनरेटेड चलान। ठीक है, आई थिंक फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। चलो एक चीज हो फ्रेंड्स, HSN कोड थोड़ा सा इन्होंने आगे आप लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया है। कैसे? इन्होंने कहा कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है उन्हें अपना HSN कोड मैंडेटरी हो गया 6 डिजिट का, गुड्स के लिए हो या फिर सर्विसेज के लिए। और फ्रेंड्स जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, अगर वो बी टू बी में, बी टू सी की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, बी टू बी की सप्लाई की बात कर रहे हैं, अगर वो बी टू बी में सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, तो उन्हें 4 डिजिट का HSN कोड मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, और इन्होंने 8 डिजिट के HSN कोड की पावर रखी। चलो फिर इन्होंने क्या कहा फ्रेंड्स, फिर नॉर्मल चीजें हैं कि आप फॉर्म CMP08 को भी नील फाइल कर सकते हो थ्रू SMS। ठीक है, इन फ्यूचर जो आपका रिफंड अगर आप क्लेम करते हो तो आपके उस बैंक अकाउंट में जाएगा जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो। वो कब से इफेक्टिव किया फ्रेंड्स? 1 जनवरी 2021 से। लेकिन इसी तरह फ्रेंड्स, ताकि डोमेस्टिक लॉन्चिंग हो सके सैटेलाइट की बाय द यंग स्टार्टअप। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज होगी सप्लाइड बाय द इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर NSIL वुड बी एग्जेम्प्टेड, उन पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, रिटर्न्स फाइलिंग का जो आने वाला सिस्टम है 1 जनवरी 2021 से, आई थिंक आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि क्या कहा गया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज छूट गई हो आप दोबारा देख लेना इसी वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो फ्रेंड्स, ज्यादा से शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ना फ्रेंड्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक इजीली पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू।